faster, deep. Hello guys, Elite Gang. Who? Elite Gang. Who? Elite Gang. Who? How's it going? Bruh. It's a boy. Papa Boo. Back with another video. So आज हम बात करेंगे TikTok versus YouTube के बारे में. नहीं, मैं लेट नहीं हूँ. उल्टा मैंने परफेक्ट टाइम पे वीडियो बनाया है ये. क्योंकि मुझे पता था. मुझे स्टार्टिंग से पता था जब ये ड्रामा शुरू होगा तब इस इंसान को जान बूझ के घसीटा जाएगा इस कंट्रोवर्सी में. बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कैरी मिनाटी पे दबाव डाला वीडियो बनाने के लिए. कैरी मिनाटी ने वीडियो बनाया एंड जैसे कि मुझे पता था ये चीज वापस से हाइप हो गई. एवरीथिंग वाज कूल. टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब ठंडा हो रहा था बट अचानक से कैरी मिनाटी ने अपना वीडियो डाला एंड वापस से सब चीजें हाइप हो गई. इसीलिए मैंने ये वीडियो ज्यादा घाई में नहीं बनाया. मुझे देखना था कि कैरी मिनाटी रिप्लाई क्या करता है. सो आज मैं किसी यूट्यूबर या फिर टिकटॉकर को रोस्ट नहीं करूंगा. आज हम रिव्यू करेंगे. वी आर गोइंग टू रिव्यू लफड़ा रिव्यू एवरीबॉडी. एंड इस फालतू से टॉपिक के लिए ना ही पूरी यूट्यूब कम्युनिटी ने अपनी गांड मराई जबकि अपने नुनू मैन ने भी 8000 वीडियो बना दिए इस टॉपिक पे. सो लेट्स स्टार्ट. एग्जिबिट नंबर 1 जिसने सब शुरू किया एलवी शैडो. जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं और जिस टिकटॉक पे मुजरा करने वाले को तुम स्टार समझ रहे हो उसे बावली गैंड कहते हैं. एलवी शैडो इज माय मैन. ही इज माय मैन. सी एलवी शैडो दुनिया का सबसे अच्छा बंदा है क्योंकि इसने हर जगह से हक दिया है. अभी मैं किसी भी एंगल से एलवी शैडो को डिफेंड नहीं कर सकता क्योंकि उसने टिकटॉकर्स को रोस्ट किया जबकि उसका खुद का एक टिकटॉक पेज है और वो वहाँ पे भी क्रिंज वीडियो डालता है. एंड अगर कोई डेढ़ शाना बोलता है एग्जिबिट नंबर 2 आमिर सिद्दीकी द मोस्ट ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ खुद के लंड पे कुल्हाड़ी मारना. अभी मैं इसके बारे में मैं क्या कहूँ इसके बारे में और क्यों कहूँ मतलब फायदा नहीं है. द डैमेज इज डन. एंड प्लीज कोई मुझे बताओ इसने पहना क्या है. क्या ये टीम नवाब मोर लाइक टीम कबाब. एग्जिबिट नंबर 3 रिवॉल्वर रानी. अभी रिवॉल्वर रानी ने एक पॉइंट रेज किया था जिसमें उसने कहा था एक ट्रांजिशन वीडियो बनाने में ना 4 घंटे लग जाते हैं. मुझे तो लग जाते हैं. मुझे बाकियों का नहीं पता. What? I'm sorry. What? एक 15 सेकंड की वीडियो के लिए 4 घंटे एडिटिंग. I wanna be dead now. I don't wanna. And revolver रानी ने और एक चीज कही थी जो कि थी body shaming की. देखो body shaming वगैरह वगैरह is a part of a humor. And in 2020 body shaming is not considered as joke and वगैरह वगैरह. बॉडी शेमिंग लिटरली हर कोई करता है. दुनिया जजमेंटल थी जजमेंटल है जजमेंटल रहेगी. नाउ वी हैव रीच्ड द मोस्ट जूसी पार्ट ऑफ आवर वीडियो. एग्जिबिट नंबर 4 कैरी मिनाटी. नाउ माय मैन कैरी मिनाटी को लेटली बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग कि कैरी मिनाटी ने क्या वीडियो बनाया. कैरी मिनाटी ने सारे टिकटॉकर्स की मार दी. कैरी मिनाटी ये कैरी मिनाटी वो. But not gonna lie, Carrie Minati ka video was like any other average video of Carrie Minati. Carrie Minati ne kai valid points bhi add kiye jisse main 100% agree karta hu. But logo ne Carrie Minati ke video ko itna sar pe kyun chada ke rakha hai? The reason behind is again हाइप. लोगों ने इतनी ज्यादा हाइप बना के रखी थी कैरी मिनाटी के वीडियो के लिए कि चाहे कैरी मिनाटी टट्टी भी तुम्हारे सामने रख देता तो भी तुम लोग बोलते हैं वाह क्या रोस्ट बनाया है भाई ने. व्हिच इज द बेसिक थिंग. आई रिस्पेक्ट दैट गाय. आई रिस्पेक्ट हिज वर्क. एंड एट द एंड रिजल्ट क्या है इन सब चीजों का. एंड रिजल्ट इज क्लाउड. इस कंट्रोवर्सी से सबको क्लाउड मिला है. सिर्फ टिकटॉक फालतू ही था उसपे क्रिएटर्स भी फालतू ही थे. स्टार्टिंग से ही टैलेंटलेस शब्द है. हाँ, वैसे क्रिएटर्स थे टिकटॉक पे. वैसे भी इन टिकटॉकर्स को चलने के अलावा कुछ आता भी नहीं है. यूट्यूब पे भी सेम चीज. यहाँ पे भी
फालतू क्रिएटर्स जैसे ये और ये अभी भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं एंड अभी भी अपलोड करते हैं, अभी भी उन लोगों को इतना ही अटेंशन मिलता है, मिलियंस ऑफ व्यूज, बाकी सब ठीक है। प्लीज ये क्या वो ट्रिगर्ड इंसान, प्लीज मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, उसे प्लीज मार दो, कोई तो गोली मार दो उसको, प्लीज भेजा उड़ा दो फालतू कॉन्टेंट लिटरली, कोई प्लीज उसको कोई तो बैन कर दो प्लीज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं मुझे सिर्फ इतना ही बताना था, एक्चुअली बोलूं तो मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना भी नहीं था, मन भी नहीं था मेरा इस टॉपिक पे वीडियो बनाना, बट तुम लोग मानते कहो यार, भर दिए कमेंट्स मेरे इसमें कि मैं शायद से फ्यूचर में डिलीट भी कर दूं ये वीडियो, अब मुझे टॉपिक फालतू टॉपिक है ये, मैं इस पे बनाना भी नहीं चाहता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय, पीस, आई एम आउट।